नमस्कार, सुनीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोयाबीन बड़ी के कोफ्ते। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कभी कदार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई सब्जी नहीं है, तो आप इस बड़ी से इसके कोफ्ते बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए ये कैसे बनाया जाता है देखते हैं। सोयाबीन के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे हमने 100 ग्राम सोयाबीन की ये बड़ी ले ली है। ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसको हमने क्या किया है, गर्म पानी में इसको उबाल लिया है और फिर इसको छान कर इसको ठंडा कर लिया है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसका पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका सारा पानी निकाल देना है और निकाल के दूसरे बाउल में रखेंगे। सोयाबीन की बड़ी से हमने सारा पानी निकाल लिया। ये देखिए, इतना पानी निकला है। अब हम इसको मिक्सी के जार में इसको पीस लेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं और ये जो सोयाबीन की बड़ी है इसमें डालेंगे। ये देखिए, सोयाबीन हमारी पिसकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी हींग, थोड़ी सी करी पत्ता, इसको भी काट लिया है, 1/2 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर बहुत थोड़ी सी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और हम इसके बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए, सारे मसाले मिलकर तैयार हो गए। अब हाथ में थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे और बॉल्स थोड़े अपने साइज अनुसार, जैसा आपको पसंद हो, छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप ले सकते हैं और इसके बॉल्स बना लें। गैस खोल दी है, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल को हमको मीडियम गरम कर लेना है और जो हमने ये बॉल बनाकर रखी थी कोफ्ते की, सोयाबीन की, अब हम एक एक कर इसमें डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है, फिर निकाल लेंगे। ये कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब गैस खोल दी है, कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच हमने तेल डाला है और ये कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 जावित्री और ये 2 टुकड़े दालचीनी के, 1/2 चम्मच जीरा, 1 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची और 4 लौंग। इन सभी चीज़ों को हम इस कढ़ाई में डालेंगे। जावित्री, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये दालचीनी। अब इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। ये 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। 1 टुकड़ा अदरक का, इसको भी काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये काजू। अब इन सभी चीज़ों को हम मसालों के साथ भून लेंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए हम ढककर पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोलकर देखते हैं। ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भूनकर अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं इन मसालों को, फिर इसके बाद मिक्सी में इसको पीस लेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं और ये तेज पत्ते को हटा देते हैं और मिक्सी का जार लेते हैं और सारे मसाले इसी में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। इसे कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है और इसमें 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे, 2 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये जो मसाले हमने पीस के रखे थे ये हम इसमें डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आप तीखा खाते हो, 1/2 चम्मच नमक, नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डालें।
अब इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, जब से जबकि इसमें तेल से मसालों से तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए मसाले हमारे भूनकर तैयार हैं, मसालों से तेल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच बेसन डालेंगे और इसको भी इसी के साथ भून लेंगे। मसालों के साथ बेसन भी हमारा भूनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी ये कसूरी मेथी, इसको भी क्रश कर डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला और एक बाउल हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपनी गाढ़ी या पतली जैसी चाहे आप वैसी रख सकते हैं। अब ग्रेवी को हम ढककर उबाल लेते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम इसको खोलकर देखते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई खटाई। अब हम कोफ्ते की बॉल एक एक कर इसमें डालेंगे और इसको 2 मिनट तक हम उबाल लेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए ढककर हम इसको और पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसको खोलकर देखते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। अगर आपके पास क्रीम हो तो क्रीम डाल दें, नहीं तो मलाई हो मलाई को भी फेंट कर आप डाल सकते हैं। ये देखिए सोयाबीन के कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छा बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इसे रोटी, पराठा, नान, मिस्सी रोटी या चावल के साथ इसको खा सकते हैं। अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है और सोयाबीन की बड़ी पड़ी हुई है तो आप इस तरह से इसके कोफ्ते बना सकते हैं, या कोई मेहमान आ जाए तो इसके कोफ्ते अच्छी सी सब्जी बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। सोयाबीन बड़ी के कोफ्ते हमारे बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आप इसे रोटी, पराठा, चावल के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर हम आपके सामने आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार।